नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद 15 मई को पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। इस अवसर पर गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई देते हुए नागरिकता संशोधन नियम 2024 के प्रमुख बिंदुओं का भी उल्लेख किया। देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू हो चुका है। इस कानून के लागू होने के बाद बुधवार को पहली बार CAA के तहत आवेदन करने वाले कुछ लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने पहले बैच के तहत कुछ लोगों को भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र सौंपा। नागरिक प्रमाण पत्र हासिल करते समय इन लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। विद दिस न्यू अमेंडमेंट एक्ट रूल्स काफी ईज आउट कर दिए गए हैं, तो रिलैक्सेशंस काफी हैं, तो काफ़ी जल्दी प्रोसीजर में हमें नए एक्ट के अंदर नेशनलिटी मिल गई है काफ़ी स्मूथली। नहीं नहीं बिल्कुल, ये काफ़ी सालों का स्ट्रगल था हमारा। एक और है तो एक पेपर, लेकिन ये बहुत वैल्यू रखता है हमारे लिए। CAA बिल पास हुआ, हमारे दुख दर्द को न सुना, हमें बहुत बड़ी खुशी है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें नागरिकता मिली, क्योंकि हम भारत के हो गए। भारत से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी CAA कानून के तहत देश में पहली बार मिल रही नागरिकता के मसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दिल्ली में प्रथम 300 लोगों को नागरिकता मिलने जा रही है। CAA देश का कानून है और इसको इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए, वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए, उनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट हो न हो उनको नागरिकता मिलेगी। भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदाय, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई समाज के लोग शामिल हैं, उनको मानवीय आधार पर भारत में नागरिकता देने के लिए मोदी सरकार ने CAA का कानून बनाया था। इस कानून का मकसद इन 3 पड़ोसी देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ वहां हो रहे धार्मिक आधार पर अत्याचार की वजह से उन्हें न सिर्फ भारत में शरण देना है, बल्कि उन्हें नागरिकता देकर भी उनके साथ न्याय करना है। CAA लागू होने के बाद पहले बैच के तहत नागरिकता पाने वाले लोग आज भी पाकिस्तान सरीखे देशों में उनके साथ हुए अत्याचार को भूल नहीं पाए हैं। बुधवार को जिन लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई, उनमें दिल्ली में रहने वाले लोग शामिल हैं। लेकिन 2014 से पहले भारत आ चुके ऐसे लोगों की तरफ से देश में अभी तक नागरिकता हासिल करने के लिए करीब 14,000 से ज्यादा आवेदन किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में इन हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया गया है कि इन लोगों को आज अपना मुल्क छोड़ने का मलाल भी नहीं है, बल्कि ये सभी भारत आकर बहुत खुश हैं और अपने भविष्य को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त भी हैं। आर्यन प्रताप सिंह, DG News, दिल्ली।